ड्राइवर गाड़ी निकालो, हमने जाना है। सर असल में मेरी वालदा की तबीयत खराब है, मैं थोड़ी देर के लिए छुट्टी चाहता हूँ। ये लो कुछ पैसे और जाके अपनी वालदा का इलाज कराओ। सर ये ले चाबी, आप चले जाएं गाड़ी पे। गाड़ी की चाबी लो और तुम अपनी वालदा को हॉस्पिटल लेके जाओ, हम ऑटो से चले जाएंगे, कोई मसला नहीं। यार गाड़ी की चाबी उसे दे दी, हम ऑटो में जाएंगे, हमें कॉन्ट्रैक्ट मिलना था, नहीं मिलेगा, लेट हो जाएंगे। कोई बात नहीं, अल्लाह तो है ना, वो तो मदद करने वाला है। यार अम्मी की कॉल आ रही है, तुम ऊपर चलो, मैं सुन के आया। सर आपसे रब्ता हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपने डिस्कस करना था, उसी सिलसिले में हम आए। सर ये हमारी फाइल है। मुबारक हो मैन, ये कॉन्ट्रैक्ट मेरी तरफ से आपका हुआ। सर ये, सर वाकई ये कॉन्ट्रैक्ट आपने हमें दे दिया? जी आपकी कंपनी डिजर्व करती है। सर मैं तो समझा हमें सालों लग जाएंगे ये कॉन्ट्रैक्ट लेने में। सर रीजन तो बताएं। आपकी बहुत बहुत सुन ली। जी मामा। हाँ वो हमारे की वालदा की तबीयत खराब होगी, वो गाड़ी लेगी, इसी वजह से हम लेट हो गए। आप दुआ करना कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। जी मामा आपकी दुआ से ही ये काम बन सकता है। आप अपने मुलाजमीन के साथ इतना अच्छा बर्ताव करते हो तो मेरी कंपनी को कहाँ से कहाँ लेके जा सकते। मुझे ऐसा बंदा ही चाहिए था, मेरी खुश नसीबी है कि आप मेरे पास आए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। देखा यार तुझे कहा था ना ये माँ की दुआ है, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। तू कह रहा था कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। भाई भलाई करने से ही फायदा होता है, लोगों के साथ भलाई से पेश हो, फिर देखना अल्लाह आपकी किस तरह से बिगड़े काम संवारता है।